गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम शिखा, क्लास 11th केमिस्ट्री। हमने पार्ट सेकेंड में रासायनिक तुल्यता का नियम पढ़ा था, लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट थर्ड में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो रासायनिक अभिक्रिया में एक मोल हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करती है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करती है यानी कि मिलती है, तो वो पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है तुल्यांक की द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक तुल्यांक का द्रव्यमान उसका तुल्यांकी या तुल्यांक द्रव्यमान कहलाती है। किसी पदार्थ के एक तुल्यांक का द्रव्यमान या द्रव्यमान उसका तुल्यांकी या तुल्यांक द्रव्यमान कहलाता है। सूत्र देखते हैं, पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट की जा सकती है। केवल ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं यानी कि खत्म कर सकते हैं। केवल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं यानी कि बदल सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन ने द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है बताया। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E=mc², जहाँ m पदार्थ द्रव्यमान, c = प्रकाश का चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अणु, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है अणु कहलाता है। अणु, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है अणु कहलाता है। परमाणु पढ़ते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 7N14 यानी कि नाइट्रोजन, इसमें 7 परमाणु क्रमांक है और 14 द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक परमाणु भार है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग यानी कि उसको जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नोट देखिए, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं? परमाणु भार भी कहते हैं। सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7N14 में द्रव्यमान संख्या 14 है। ठीक है, अब एक प्रश्न इस पे हल करते हैं। पूछा है प्रश्न में, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 10 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे हम लोग, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 10, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है 12, और क्या हमको ज्ञात करना है? द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर हमने सूत्र भी लिखा है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 10 दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर यही तो कहा है ना कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। योग यानी कि जोड़ को, दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या बराबर 22 यानी कि 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये हमारा द्रव्यमान संख्या निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।